भूख, गुर्बत, बीमारी हमारा मुकद्दर नहीं, हम बनाएंगे सरसब्ज खुशहाल खुद मुख्तार पाकिस्तान। कौन है जो हमें रोकेगा? वी विल गेट इट डन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साजिद सैयद और आप देख रहे हैं कटिंग एज। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की का अंदाज़ा लगाना हो तो उसकी इकॉनमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह देखे जाते हैं। इसमें से एक अहम एलिमेंट उस मुल्क का स्पोर्ट्स भी होता है। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स बोर्ड का क़याम 1962 में हुआ और उसके बाद हम बाकायदगी से ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करते रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी और बढ़ती हुई इंसर्जेंसी की वजह से हमारे मुल्क से इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ना होने के बराबर रहे, बल्कि हमारे प्लेयर्स के खेलने का मायार भी गिर गया। पाकिस्तानी स्पोर्ट्स पर मज़ीद बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अख्तर नवाज गंजेरा के साथ। डॉक्टर साहब ने फिज़िकल एजुकेशन में MSc की है और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से PhD की है। आपने पार्टिसिपेट किया है एज अ कंटिंजेंट ऑफिशियल इन बीजिंग ओलंपिक गेम्स इन चाइना 2008, कॉमनवेल्थ गेम्स इन इंडिया 2010, लंदन ओलंपिक गेम्स 2012 एंड सो ऑन। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। सर, माशाल्लाह से आपका प्रोफाइल पढ़ा तो बड़ा इंप्रेस हुई, लेकिन पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की हालत देखी जाए तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है सर, वजह क्या है? जी, बहुत सारी वजूहात हैं पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के ना खेलने की, और सबसे आजकल के हालात में जो बुनियादी वजह है जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताई है कि वो सिक्योरिटी के हालात हैं। ये मुल्क में जो एक दहशतगर्दी की लहर थी, बिल्कुल, जो क्योंकि इस वक्त तो ज़रब अज़ब की वजह से पाक फ़ौज ने वो बहुत ख़त्म कर दी है, नापैद हो गई है, और इंशाल्लाह हमारे ग्राउंड्स अब दोबारा आबाद होने शुरू हो गए। इसके अलावा जो पिछले साल गुजरे हैं, हमने पिछले 20 साल से इसी स्ट्रगल में दौड़ लड़ाई हम कर रहे हैं कि इधर से दहशतगर्दी हो रही है, बच्चे जो है वो ग्राउंड्स में नहीं आ रहे हैं, और वो ये चीज़ है। दूसरा बुनियाद और भी काफ़ी सारी वजूहात हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है इसमें स्पोर्ट्स की वो जगह मौजूद नहीं है जो एक तरक्की याफ्ता मुल्क जो खेलों में तरक्की याफ्ता हो उसकी होनी चाहिए। प्राइमरी स्कूल में फिजिकल एक्टिविटीज़ नापैद हैं, प्राइमरी स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर ही नहीं है, और इसी तरह मिडिल स्कूल या हाई स्कूल में फिजिकल टीचर हैं तो स्कूल्स के पास ग्राउंड्स ही नहीं है। अगर ग्राउंड्स हैं तो वो वालदैन इस चीज़ पे राजी नहीं है कि वो बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी की तरफ लेके आए। तो बहुत सारी वजूहात में बच्चे का जहाँ प्रॉपर उसकी फिजिकल ग्रोथ या ग्रूमिंग होनी है वो सिस्टम में मौजूद नहीं है। हमारा सिस्टम जो स्पोर्ट्स का इस वक्त चल रहा है वो नेचुरल टैलेंट पर चल रहा है। जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो दूर दराज के इलाकों से, जो भी आप नाम लें, फाटा लें, बलोचिस्तान लें, पंजाब लें, गिलगित बल्तिस्तान लें, सदरन पंजाब लें, तो उसमें टैलेंटेड बच्चे जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और हम अल्लाह ताला की मेहरबानी से इस खत्ते पे, इस मुल्क पे ये बहुत बड़ी मेहरबानी है कि इसके पास हर किस्म का टैलेंट मौजूद है। तो हमारी जो नर्सरी है वो सारी टैलेंट पे मौजूद है, कहीं साइंटिफिक अप्रोच से बच्चा नहीं आगे आ रहा। अब कोई भी हमारे बड़े बड़े पब्लिक स्कूल सेक्टर में स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में स्कूल में फिर भी ग्राउंड्स भी हैं और वहाँ सिस्टम भी मौजूद है और बच्चों के ऊपर वहाँ पीरियड्स भी हैं, लेकिन वो इतना वो अहमियत नहीं है जो एक होनी चाहिए। या 60s या 15 या 17 या 80s में जो बच्चों को, 80s में तो मैं नहीं कह सकता, 70s तक के बच्चों को प्राइमरी स्कूल में जिमनास्टिक की तालीम दी जाती थी और रनिंग की कोचिंग की जाती थी, मुख्तलिफ स्मॉल एरिया गेम्स होती थी बच्चों के लिए, वो बच्चे स्कूल में खेलते भी थे और उससे उनकी फिजिकल ग्रोथ भी होती थी। वो चीज़ नापैद हो गई है। अब बीकन हाउस है या सिटी स्कूल्स हैं तो उनके बड़ी बड़ी ब्रांचों में तो कोई, मैं कह सकता हूँ कि शायद इस्लामाबाद में उनके पास वो ग्राउंड्स होंगे, लेकिन रिमोट एरियाज में उनके पास सफिशेंट ग्राउंड्स नहीं है। बिल्कुल। अब दूसरा वालदैन जो है, अब वालदैन और टीचर्स दोनों नहीं चाह रहे कि उनका बच्चा जो है वो स्पोर्ट्स के ऊपर अपना टाइम
ज़ाया करे, वो लफ्ज यूज आम तौर पर ज़ाया यूज़ करते हैं, ज़ाया का वर्ड आता है बिल्कुल, तो वो अब वो चाहेंगे कोई भी स्कूल है उसकी रेटिंग जब वो स्कूल बनाता है तो वो कहता है जी हमारे स्कूल ने इस दफ़ा 5, 6, 7 पोजिशनें बोर्ड में हासिल की हैं या किसी भी इम्तिहान देने वाले इदारे में हमारी पोजिशन सबसे अच्छी है, लेकिन उसमें कोई ऐसा स्कूल अपना फ़ख्र से ये नहीं कहेगा कि हमारे स्कूल ने इस दफ़ा फलानी चैंपियनशिप भी जीत ली, हमारा बच्चा एथलेटिक्स में फलाना अच्छा चला गया। ये बहुत कम ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें ये इस बात पे भी फख्र किया जाता है। तो सिस्टम में जो है अवेयरनेस जो है नीचे से उसका क्रिएट करना सोसाइटी का, हमारा सबका ये फ़र्ज है कि वालदैन को ये एहसास दिलाया जाए कि सेहतमंद बच्चा पढ़े लिखे बीमार बच्चे से बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल सर। तो सर आपने टैलेंट की बात की, सर अगर देखा जाए तो हमें अपने क्लब लेवल पे बहुत अच्छा टैलेंट देखने को मिलता है, ऐसी क्या वजह है कि ये टैलेंट फिर हमें नेशनल और इंटरनेशनल टीम्स में नज़र नहीं आता? इसमें मैं दो चीज़ें हैं, एक तो यह है कि क्लब लेवल नापैद हो चुका है पाकिस्तान में। अच्छा, क्लब्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली जो होनी चाहिए थी, कि जो भी मैं किसी मुल्क में जो इस वक्त तरक्की कर रहा है किसी भी मुल्क का नाम लूँ तो बच्चा जहाँ स्कूल में सीखता है वहाँ वापस जाके अपनी क्लब में भी खेलता है बड़े सीनियर प्लेयर्स के साथ, जो उसके बड़े भाई भी हो सकते हैं, उसके कज़न भी हो सकते हैं, उसके मोहल्लादार भी हो सकते हैं, उनको देख के फिर आइडियलाइज करता है कि मैंने ये मेसी बनना है, मैंने फलाना बनना है। तो क्लब लेवल भी बहुत बहुत कम रह गया है। अच्छा। मोहल्लों में आजकल कुछ ऐसा ज़रूर है कि मार्शल आर्ट्स के क्लब बने हुए हैं या फिटनेस क्लब कुछ, जिसमें ये फिटनेस के कुछ सामान वेट ट्रेनिंग के क्लब बने हुए हैं। वेट ट्रेनिंग के क्लब में भी प्रॉब्लम आ रहा है कि वो बच्चों को ना वो जो उनके इंस्ट्रक्टर हैं वो क्वालिफाइड नहीं है और बच्चों को वो ड्रग्स यूज़ करवाते हैं, ड्रग्स से मुराद वो चीज़ जो परफॉर्मेंस स्टेरॉइड्स वगैरह। तो उससे बहुत सारी गुजरांवाला इस साइड पे पिछले दिनों में अमवात भी वाकया हुई है कि बच्चों ने वो उन नौजवानों ने वो ड्रग्स ली और उनको पता नहीं था और उसमें 5-6 हमारे नेशनल लेवल के बॉडी बिल्डर मर गए हैं पिछले दिनों में। तो इसी तरह वो उनको अवेयरनेस नहीं है, वो क्लब्स या फिर कराटे जूडो या मार्शल आर्ट्स के ताइक्वांडो वुशू इस किस्म के क्लब मौजूद हैं और उन बेचारों के पास भी वो सहूलियात नहीं है कि उनके पास रनिंग की सहूलियात, एक बहुत बड़ा ग्राउंड उनके साथ हो जिसमें बच्चे रनिंग कर सकें या दूसरी एक्टिविटीज़ कर सकें, लेकिन ना होने से वो बहुत बेहतर है, लेकिन ये हर जगह मौजूद नहीं है। अच्छा सर, आपने इस तरह की बात की ना कि उन्होंने इस तरह की कोई फूड इनटेक किया जिसकी वजह से अमवात हुई, सर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का इस तरह के इंसिडेंट्स पे क्या स्टांस होता है? फौरी तौर पे जब हमें क्योंकि मीडिया के जरिए हमें पता चला, बिल्कुल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है इसके जो बुनियादी काम है उसमें से एक काम ये भी है कि इंटरनेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन करनी है पूरे मुल्क के लिए किसी भी काम के लिए। ड्रग्स को रोकने के लिए इंटरनेशनल बॉडी वाडा कहते हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अच्छा। और पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में इस एजेंसी की शाख मौजूद है और जो ही हम इसका पता चला है हमने फौरी तौर पे, क्योंकि हमारी ज्यूरिसडिक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव वो नहीं है प्रोविंसेस हैं, तो हमने तमाम प्रोविंसेस के हमारे जो फेडरल सेक्रेटरी हैं राजा नादिर अली साहब ने, उन्होंने तमाम सेक्रेटरीज जो हैं स्पोर्ट्स के चारों प्रोविंसेस के उनको बुलाया, ये पिछले हफ्ते की बात है, और उनके साथ हमारी मीटिंग्स हुई और उसमें बहुत सारे फैसले हुए जिसमें मोटे मोटे फैसले हैं कि बहुत सारे स्कूलों में और कॉलेजेस में और स्पोर्ट्स के इदारों जो स्पोर्ट्स की फेडरेशन हैं इनके साथ हम अपने एक सेमिनार करवाएंगे। अच्छा। सेमिनार करवाएंगे ताकि अवेयरनेस पैदा हो बच्चों में, वालदैन में और खिलाड़ियों में कि जी हम जो काम करने जा रहे हैं इसमें मसल तो हमारा बड़ा हो जाएगा लेकिन इसमें हमारी मौत भी हो सकती है। लेकिन जो ट्रेनर्स थे जिन्होंने ये फूड या जो भी था उन्होंने रेकमेंड किया था उनके लिए क्या सज़ा थी और क्या उसके बाद क्या इस तरह का लाया अमल इख्तियार किया गया ताकि इस चीज़ को फ्यूचर के लिए रोका जाए? मैंने जैसे गुजारिश की कि फर्स्ट हमारा जो डिसीजन था वो था अवेयरनेस का, सेकंड था एक्रेडिटेशन का जो आप फरमा रही हैं कि हम उनको यहाँ इस पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में उनके लिए कोर्सेज करवाएं उनके ट्रेनर्स के लिए ताकि उनको पता हो कि ये ड्रग्स यूज करनी है। ड्रग्स वो परफॉर्मेंस एनहांस सप्लीमेंट्स हैं जो आम आपको या किसी लेमन को दिखाएं तो कहा इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये तो विटामिन्स हैं, इसे खाने में हर्ज नहीं है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स मौजूद हैं और वो ना ट्रेनर को पता है ना बच्चे लेने वाले को पता है, दोनों को नहीं पता उसका। फिर उसकी अगर है भी सही तो उसकी कितनी क्वांटिटी उसने यूज करनी है, एक सर्टन क्वांटिटी है वो किसी डॉक्टर के क्वालिफाइड डॉक्टर बता सकता है उसको कि भाई इतनी आप यूज कर सकते हैं इतनी यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए सेकंड हमारा जो काम है कि हम मुख्तलिफ कोर्सेज करवाएंगे और ट्रेनर्स को सर्टिफाई करेंगे
और फिर तीसरा ये है कि हम गवर्नमेंट को, उनको हमने बता दिया है कि अपनी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट को, जैसे स्पोर्ट्स का कोई इदारा है और या इस्लामाबाद में हम बैठे हुए हैं और यहाँ का कोई क्लब कोई गलत काम करता है तो हमारे पास वो मौजूद ऐसी कोई पावर नहीं कि हम उनको गिरफ्तार कर लें या हम उनको जाके कुछ सजा दें। वो ऐसा कोई लेजिस्लेशन नहीं है, वो सजा मतलब का पुलिस ने देनी है या एडमिनिस्ट्रेशन ने देनी है। सर तो उनके पास क्या इतनी उस लेवल की एजुकेशन होती है, जाहिर जो एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन है या एक्सपर्ट्स है जितनी उनके पास होती है, क्या आम पुलिस के पास उस लेवल की एक्सपर्टीज होती है कि इस तरह के डिसीजंस ले? नहीं, वो डिसीजन उन्होंने नहीं लेना। हमने गुजारिश की है तमाम जो प्रोविंसेस हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को कि अपनी गवर्नमेंट को जाके बताएं कि ये चीज़ें हो रही हैं। अच्छा। और इसके लिए लेजिस्लेशन करें। अब लेजिस्लेशन के लिए हम तमाम प्रोविंसेस को हमने कहा और लेजिस्लेशन के लिए पुलिस को इंपावर करें कि वो जिस इलाके में कोई इलीगल क्लब चलेगा और उस इलीगल से बड़ा सिंपल वास्ता है कि उसका जो कोच है वो नॉन क्वालिफाइड होगा तो उसको आप इस रूल के तहत या इस दफा के तहत गिरफ्तार करें ताकि कोई और ना आए, या अगर वो चलाना चाहता है तो वो उसके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एक दूसरी बात, जब वो क्वालिफिकेशन के बाद गलती करता है तो फिर उसकी सजा भी है कि उसका एक तो लाइसेंस का या सर्टिफिकेट कैंसिल करें और उसको लेके जाएं कहीं। अब तो ये है ना, किसको सजा दें? हवा को सजा दें? कोई पता ही नहीं है कौन ट्रेनर है, उसने क्या उसको सजा देंगे? ना उसकी कोई क्वालिफिकेशन है, ना उसकी कोई एजुकेशन है, वो रहता कहाँ है, उसका एड्रेस कहाँ है, क्या उसने जो वो बनाया है वो लीगल बनाया है, किससे पूछ के बनाया है? कोई लेजिस्लेशन ही नहीं है। तो इन चीज़ों को इन लाइन करने के लिए थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इसमें हथियार हम वालदैन में, स्कूलों में जाके, कॉलेज में जाके अवेयरनेस पैदा कर दें। जब अवेयरनेस पैदा होगी, जो एक और मीडिया से भी हमने गुजारिश की है कि मीडिया भी इसमें आके हमारा हाथ बटाए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि ये भाई ये गलत काम है, ताकि बच्चों के वालदैन और बच्चों तक जब मैसेज चला जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। बच्चा जरूर सोचेगा कि नहीं यार ये तो मुझे ये ट्रेनर या जहाँ पे मैं जा रहा हूँ ये ट्रेनर क्वालिफाइड है। सर ये बहुत ज़्यादा अगर फिटनेस की बात की जाए तो इसका स्पोर्ट से बहुत गहरा ताल्लुक है। क्या ये सच है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनल फिटनेस के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो नहीं मीट कर पाते? नहीं, ये इसमें यानी 100% ऐसी बात नहीं है कि वो इंटरनेशनल फिटनेस के मियार को पूरा नहीं करते। अगर वो इस मियार को पूरा ना करते तो वहाँ कम्पीट ही नहीं करते। ठीक है, लेकिन जितनी अच्छी फिटनेस होगी, अब फिटनेस के भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं ना। अच्छा। इंडोरेंस है, पावर है, स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है। हमारा सबसे बड़ी हम मार खाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी में आके, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो वो एक ऐसा एरिया जो मैंने पहले आपसे गुजारिश की थी, वो होता है स्कूल लेवल का। हाई स्कूल तक आप बच्चे में मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी भी पैदा कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन सेंस मीन रेंज ऑफ मसल। अच्छा, अगर आपका मसल जो है, मेरा मसल यहाँ तक जाता है तो इसकी रेंज बढ़ाने के लिए इसकी डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, इसको यहाँ तक जाना चाहिए। ठीक है। या जैसे आप आमतौर पर उर्दू में लचक इसके लिए यूज करते हैं कि बॉडी में इतनी लचक है, बॉडी इतनी मूव कर सकती है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो वर्ड जो है बाज औकात, क्योंकि हमारा सिस्टम में अभी तक वो स्कूल में एजुकेशन जिमनास्टिक नापैद हो गई है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे या मुल्की लेवल पे जब हमारे खिलाड़ी होते हैं तो वो जो है लचक की कमी आती है। अदरवाइज इंडोरेंस है, इंडोरेंस के लिए बहुत दौड़ना पड़ता है और वो उसका भी तरीकाकार है। पावर है इंडोर, उसके लिए वेट ट्रेनिंग जो आप कह रही हैं, पावर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवानी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें मिलकर एक फिटनेस का एलिमेंट बनाती हैं। हमारी रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए वो नहीं है, जो हमें चाहिए फिटनेस और खास करके हॉकी है। अब हॉकी में अब वो एक ऑक्सीजन कैरिंग मसल इतना बड़ा होना चाहिए, लेकिन नेचुरली हमारे पास वो मसल छोटा है, तो हमें मतलब जेनेटिकली भी और वेदर कंडीशन के हिसाब से भी और फूड का भी खाने का भी आप सारी चीजें को मिला लेंगे तो हमारा मसल अगर वो जो हॉलैंड में हॉकी खेल रहा है या जर्मनी में हॉकी खेल रहा है तो उससे हमारे बच्चे का मसल बहुत कम होगा, क्योंकि हमने जितने मेडल्स लिए हैं वो रिस्ट पे लिए हैं। हमारा बच्चे की स्टिक जो है, स्टिक वर्क जो है, दुनिया का बेहतरीन स्टिक वर्क है इंडिया और पाकिस्तान का। अच्छा। तो उसमें गोरा हमारे साथ कम्पीट नहीं कर सकता। तो लेकिन अब एंडोरेंस या फोर्स या ताकत देखें तो वो उनके पास हमारी ज्यादा नजर आती है, लेकिन हम इसको इम्प्रूव कर रहे हैं और हो रही है इंशाल्लाह, वो भी आगे जाएगी। सुना है कि पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज़ है। इस स्पोर्ट्स सिस्टम ये पिछले 8-10 साल से बहुत हमने इसमें गवर्नमेंट ने भी बहुत लॉस लिया है और जो नेशनल फेडरेशन है स्पोर्ट्स की, स्टार्टिंग फ्रॉम वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, फुटबॉल, इनके ऊपर एथलेटिक्स के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी फेडरेशन के साथ कुछ लोगों का आपस में मुकाबला हो गया कि मुझे सदर होना चाहिए,
मुझे सेक्रेटरी होना चाहिए मुझे, उसमें उन लोगों ने यह नहीं सोचा कि उनकी इस लड़ाई से बच्चे को या खिलाड़ी को या कौम को क्या नुकसान होगा। तो बहुत सारा नुकसान हुआ, और इसके बाद 2-3 साल ऐसे हो गए कि गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ बैठ के कुछ मीटिंग्स की गवर्नमेंट लेवल पे, तो एक डिसीजन की तरफ हम आ गए कि हम उन बॉडीज़ को रिकग्नाइज़ करेंगे जिनका एफिलिएशन गवर्नमेंट इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ होगा। तो बहुत सारी पैरल बॉडी और लड़ाई झगड़ा कम हो गया, लेकिन हम इससे ना कौम मुतमैन है ना हम मुतमैन है कि ये जो स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स है इसमें अपनी अना को सामने नहीं लाना चाहिए, सिर्फ बच्चों की और खिलाड़ी की अना को सामने, जिसकी रिक्वायरमेंट को सामने लाना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं कि ये मसाइल हैं और बहुत बड़े मसाइल हैं। सर, क्या किसी भी, मैं कहूँ कि सिलेक्शन कमेटी या एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी इस तरह के बंदे का होना चाहिए जिसका स्पोर्ट्स का कोई बैकग्राउंड ना हो? जी, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक स्पोर्ट्स फेडरेशन की एक बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें एक बॉडी होती है जो टेक्निकल ऑफिसर्स को डील करती है, एक होती है जो खिलाड़ियों को डील करती है, और खिलाड़ियों की सिलेक्शन, जिसको आप सिलेक्शन कमेटी, बिल्कुल सिलेक्शन कमेटी का, बिल्कुल। ये सिलेक्शन कमेटी में मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक मुकम्मल तौर पे वो बंदा जो सिलेक्शन कमेटी में बैठा हुआ है वो एक अच्छा खिलाड़ी होना चाहिए उस गेम का, ताकि उसको पता हो कि ये इसकी क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, बच्चा या मैं कितने टाइम पे थक जाता था, और कौन से बच्चे में कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए जो अच्छा खिलाड़ी हो सकते हैं। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि सिलेक्शन कमेटी में टेक्नोक्रेट उस गेम के होने चाहिए। अच्छा, और एडमिनिस्ट्रेशन में? एडमिनिस्ट्रेशन में गुजारा हो सकता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इज अ वेरी, बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर ऐसा हो गया है कि पाकिस्तान का एक नेशनल हीरो एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर नाकाम रहा है किसी गेम। एडमिनिस्ट्रेशन इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। अच्छा। और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो खिलाड़ी नहीं भी हुआ तो उसने फेडरेशन को बहुत अच्छे तरीके से चला लिया। फेडरेशन के वो कंपोनेंट्स जहां खिलाड़ी की और फिटनेस की जरूरत है वहां एक्सपर्ट्स होने चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी अगर खिलाड़ी और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों चीजें इकट्ठी मिली हुई तो ये सोने पे सुहागा है, और ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। अच्छा सर, आपने कौमी हीरो की बात की, हम कौमी खेल की बात करते हैं। सर, हॉकी हमारा कौमी खेल है, ऐसी क्या वजह है कि पिछली दफ़ा जो ओलंपिक्स हुए उसमें हम क्वालिफाई भी नहीं कर सके हैं? लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि हॉकी वाहिद ऐसा खेल है जिसने स्क्वाश के बाद पाकिस्तान का झंडा 1960 में रोम में लहराया, 1956 में मेलबर्न में इसको लहराया, 56 ओलंपिक्स और 1960 रोम ओलंपिक्स, ये हमारा इसमें है अपना रोल है, इसमें पाकिस्तान का झंडा लहराया, और उसके बाद पूरी कौम ने इनको अपने हमारे हॉकी के खिलाड़ियों को हीरो तस्लीम किया, और वो हीरो थे। और हमारी थोड़ा सा बैकग्राउंड या हमारा इसका बैकग्राउंड इस तरह है कि जब हॉकी आस्ट्रो टर्फ पे आ गई या सिंथेटिक ट्रैक पे आ गई तो वो हमारी मिजाज से नहीं मिल रही थी, लेकिन हमने फिर भी आस्ट्रो टर्फ पे 3-4 साल गुजारा किया और हम इंटरनेशनल मेडल्स जीतते रहे। उसके बाद हमारे अपने जिस तरह दूसरी गेमों के साथ, जो मैंने पहले आपको एक बैकग्राउंड बताया, स्कूलों में हॉकी होती थी वो नापैद हो गई, बिल्कुल हाँ। क्लब्स में हॉकी होती थी वो नापैद हो गई, छोटे से एरिया रह गए, गोजरा, बन्नू, सियालकोट, इन जगहों पे सिर्फ हॉकी, या कराची में भी अब ग्राउंड नहीं है काफी ऐसे के बाद के साथ, अब बन गए, यानी जब ये हॉकी नापैद हो रही है तो कराची में नेशनल क्रिकेट स्टेडियम और हॉकी स्टेडियम है, यस। तो ये छोटी सी एक एरिया हमारी, नर्सरी बहुत कम हो गई। और उसके बाद जब फिटनेस लेवल आया, फिटनेस लेवल मैंने आपको पहले गुजारिश की है कि वो हमारा सिंथेटिक ट्रैक के हिसाब जब हम जाते हैं तो वो हमारा उनके साथ फिटनेस लेवल थोड़ा नीचे आया। सिंथेटिक ट्रैक का क्या मतलब? ये ऑस्ट्रोटर्फ जिसको हम कह रहे हैं, ऑस्ट्रोटर्फ को ये सिंथेटिक से बनता है, तो इसलिए वो सिंथेटिक हॉकी टर्फ है। सिंथेटिक हॉकी टर्फ से जो है वो हमारी फिटनेस जो है वो नहीं रहेगी। या तो ये होता कि हमारे वो हीरोज जिसको हम याद करते हैं मोस्टली जो है वो ग्रास पे खेले हुए हैं, और उनकी रिस्ट वर्क, उनका दौड़ना, सलीम समीउल्ला, कलीमुल्ला, शबाज सीनियर जो अभी हमारे फेडरेशन के सेक्रेटरी भी हैं, तो वो इस वजह से जो है हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो हुए जिसमें हमने जिसमें आप रियो ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं जिसमें हमने क्वालिफाई नहीं किया, बिल्कुल हाँ, तो वो उन्हें हम क्वालिफाई नहीं कर सके। जब हम क्वालिफाई नहीं किए तो गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर डिसीजन करके हॉकी फेडरेशन को चेंज कर दिया, और इस वक्त हॉकी फेडरेशन एक्सपर्ट्स के हाथ में है, शबाज सीनियर साहब हैं, ब्रिगेडियर सजाद खोखर साहब हैं, और खुद हॉकी के प्लेयर रहे हैं ये लोग, और बड़े इनके में बड़ा अच्छा सेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इनका, तो उसको चला रहे हैं इंशाल्लाह, और इसको आप साइंटिफिक तरीके से इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जल्द हमारा खेल ये वापस आएगा इंशाल्लाह। सर, इसकी एक बहुत बड़ी वजह बजट की कमी की
कमी तो नहीं है पैसों की? तो देखिए जी, जितना पैसा ज्यादा होगा हमें सहूलियात बहुत ज्यादा मिलेंगी, लेकिन गवर्नमेंट अपने वसायल में रह के हमें खातिर खा पैसा देती है। और हॉकी के लिए तो हमने बिल्कुल हमारे रास्ते दरवाजे हर वक्त खोले हैं। हम उन्होंने पिछली दफा गवर्नमेंट से 200 मिलियन मांगा है, जिन 20 करोड़ रुपया तो गवर्नमेंट ने वो कर दिया है, उनको दे दिया, हमने उनको ग्रांट कर दिया हुआ है। हॉकी फेडरेशन ने टर्फ लगाने के लिए, ग्राउंड बनाने के लिए कहा हुआ है, तो वो भी 5 करोड़ रुपया उनके दे दिया है कि जब 5 शहरों में वो काम शुरू करें, गवर्नमेंट उनको देगी। हॉकी के लिए तो पैसे की आम हालात में कमी नहीं है, लेकिन दूसरे जो हमारी गेम्स हैं उसके लिए हमारे पास फंड इतने मौजूद नहीं है जो हमारी मजबूरी है गवर्नमेंट की, लेकिन हमारे पास फंड उनके लिए भी हैं, उनको ग्रांट्स भी देते हैं, एनुअल ग्रांट्स भी देते हैं, उनके टूर्नामेंट्स भी कराते हैं, उनको ट्रेनिंग कैंप्स भी देते हैं, तमाम हम सहूलियात उनको साइंटिफिक तरीके पर देने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टर, स्पोर्ट्स बोर्ड का ओहदा संभालने के बाद आपने क्या बेहतरी लेके आए स्पोर्ट्स में, क्या चेंजेस लेके आए? यस ऑफ कोर्स, मैं एक तो यहाँ काफ़ी अर्से से मेरी नौकरी मैंने यहीं से शुरू की है, तो मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आके खुद मुझे कुछ ऐसा मौका मिले तो मैं अपने सिस्टम को ठीक करूं। और मैं PhD करके जब ऑस्ट्रेलिया से वापस आ रहा था तो मुझे रोका भी गया कि नहीं आप यहाँ काम करें, तो मैंने कहा नहीं, मैं अपने मुल्क में जो कुछ मैंने सीखा मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर सकूँगा, को 5% तो मैं वहाँ जाके कर डिलीवर कर सकूँ। तो मैंने आते ही यूँ ही आए तो मैंने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई हैं जिससे कि फौरी तौर पे तो स्पोर्ट्स नहीं अगर तरक्की कर सकती तो एक रास्ता हमें मिल जाएगा कि हम आगे चले जाएंगे। सबसे पहले जो हमारी अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं हमारे इस माहौल के मुताबिक, पाकिस्तान के हालात के मुताबिक, जो फेडरेशन हैं उनके पास वो फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं कि इतने बड़े बड़े उनके पास अपने स्टेडियम्स हों, जिमनेजियम हों, जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग भी करवा सकें और मुकाबले नेशनल और इंटरनेशनल करवाएँ। तो ये हमारे पास बहुत बड़ा 30 साल पहले बना हुआ एक हमारा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है जो 1978 के गेम्स के लिए बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद इसको आके बहुत इसकी वेयर टेयर हो चुकी थी और ख़ास करके इनके वाशरूम्स और वो चीज़ें तब्दील करवाने वाली, टर्फ तब्दील करवाने वाली थी। तो आके जो भी हमें अवेलेबल फंड्स था, पहले गेट से हम एंट्री होते हैं वहाँ से लेके सफाई करा, ये करा, जो भी हमसे हो रहा था, तो हमने अवेलेबल फंड्स में इनकी हमारी तमाम फैसिलिटीज इस वक्त अपग्रेड हैं और हो भी रही हैं आस्था। तो हमारे उसको हमने इंटरनेशनल लेवल पे फिर लेके गए। फिर उसके बाद जो हमारी सिक्योरिटी का मसला आपने इंट्रो में बताया, ये सबसे बड़ा इस वक्त था, तो सिक्योरिटी चारों तरफ हमने इसकी दीवार भी बनवाई। और इस वक्त जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं जिसमें हमारा ITF का एक डेविस कप की टाई है ईरान के साथ, वो बिल्कुल आपके साथ जो नज़र आ रहा है, इसमें वो उन्होंने कहा है कि अगर हम इंटरनेशनल बॉडी ने कहा कि आप करवाना चाहते हैं तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में करवाएं, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी ठीक है, यहाँ करवाने के लिए। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने अपग्रेड किया, उस लेवल पर ले गया जाकर नेशनल लेवल पर एक बच्चों को खुद खेलने की मौका मिले, और दूसरे बाहर से अगर कोई टीम आना चाहे तो आराम से आ जाए। इंटरनेशनल इवेंट्स में चीफ ऑफ एयर स्टाफ एक स्क्वाश टूर्नामेंट हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एयर इंटरनेशनल स्क्वाश टूर्नामेंट हुआ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटरनेशनल, इसमें इंटरनेशनल स्क्वाश टूर्नामेंट हुआ है, इसमें तमाम लोग इजिप्ट से, हांगकांग से, अमेरिका से, USA से, ऑस्ट्रेलिया से लोग खेलने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ माहौल सिक्योर हो चुका है। ये एक अपग्रेडेशन हमारी, हमने अपनी सिक्योरिटी जो अपनी है सिक्योरिटी और ये जो हमारे फैसिलिटीज़ हैं इनको अपग्रेड किया। इसी तरह हमारे खिलाड़ियों को खाना मिलने के, खाना जो था हमारा, यानी वो एक यही था कि ये रोटी खा ली और ये सारन पक गया, तो उसमें हमने साइंटिफिक तरीके से डाइटिशियंस इन्वॉल्व किए और कि उनको क्या किसी खिलाड़ी को डाइट चाहिए, उस हिसाब से हमने इनके अपने हॉस्टलों को, हॉस्टलों के खानों को अपग्रेड किया। वहाँ भी सब अगेन फैसिलिटीज़, वो डिश वाशर लगाए ताकि हाइजीनिकली खाना बड़ा ज़बरदस्त हो, और उनको विजिट भी करते रहते हैं कि वो हाइजीनिकली कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ, उनकी जो रहायश है उनको हम अपग्रेड किया। उसके अलावा पाकिस्तान में पहली दफ़ा लास्ट टाइम हमने कायदे आज़म इंटर प्रोविंशियल गेम्स करवाई, जो यूथ के लिए थी, पाकिस्तान की हिस्ट्री में गवर्नमेंट ने कभी ऐसी गेम्स नहीं करवाई, या तो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन नेशनल गेम्स करवाता है, या हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने थ्रू पाक फौज हमारी 1989 में साउथ एशियन गेम्स करवाई और 2004 में अगेन साउथ एशियन गेम्स करवाई। सिविल वर्क, सिविल एरिया में ये हमने गेम्स करवाने का मकसद ये था कि तमाम प्रोविंसेस की एडमिनिस्ट्रेटिव और जो मैनेजेरियल एफिशिएंसीज को बढ़ाया जाए, और वो खिलाड़ियों को 4,400 के करीब जो खिलाड़ी हैं, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान,
فاٹا کے پی ان سے لوگ آئے ہیں اور وہ بچوں کو کیسے یہاں لانا ہے, کہاں ٹھہرانا ہے, کس طرح اوپننگ سرمنی ہوگی, کس طرح ان کے کمپٹیشن ہوں گے. اور یس پہلی دفعہ کچھ ان کی آپس میں لڑائیاں جھگڑے, لیکن جب دوبارہ ہوں گے تو یہ ان کی انہانس ہوگا. اور کسی بھی قوم کے لیے آپ کو انٹرنیشنل ایونٹ تبھی دیا جاتا ہے تو ان کا گنا جاتا ہے کہ آپ نے نیشنل لیول پہ کون کون سے ایونٹ کروائے, کیا وہ کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے. ایک اگلے سال ہو گیا, ایک اس طرح کرائیں گے تو اگلے سال ہم انٹرنیشنل ایونٹ کے لیے اگر بیٹ کریں گے تو ہمارے وہ خود انٹرنیشنل باڈی بتائے گی کہ انہوں نے یہ چیزیں کروائی ہیں, یہ کروا سکتے ہیں, دے ہیو گاٹ دی کیپیسٹی. تو دوسری بات, ہم نے ایک کیپیسٹی بنائی اپنے پورے قوم کی, بالکل, کہ انٹرنیشنل یا نیشنل ایونٹس کروانے کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ کی. سر کہتے ہیں کہ جن ملکوں کے گراؤنڈ آباد رہتے ان کے ہاسپٹلز ویران رہتے, جن کے ہاسپٹلز آباد رہتے ان کے گراؤنڈز ویران رہتے. اس بات کا آنسر ہم چھوٹی سی بریک کے بعد لیں گے, کہیں مت جائیے گا, ایک ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سر میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ جن کے گراؤنڈز آباد رہتے ہیں ان کے ہاسپٹلز ویران رہتے ہیں. سر اس بات پہ ذرا روشنی ڈال. ہاں, اٹس ویری آبویس کہ جن قوموں میں لیول آف فٹنس یا صحت کا معیار اچھا ہوگا وہ ہاسپٹل کدھر جائیں گے. اور ہماری بھی ایز اے اسپورٹس ایڈمنسٹریٹر ہماری یہی خواہش ہے اور کہ پوری قوم ہماری اتنی فٹ ہو کہ وہ ہاسپٹل جائیں گی نہیں, ہاسپٹل بالکل ویران ہو جائیں گی. اور گورنمنٹ بھی کوشش یہی کرے گی کہ گراؤنڈس میکسیمم بنائے جائیں اور وہ جو ہیلتھ کا بجٹ ہے وہ بھی سائڈ کرے گی. یا کوشش کر رہی ہے سر؟ اس میں کر رہی ہے گورنمنٹ بہت سارے. آپ دیکھیں گی کے پی میں پنجاب کی گورنمنٹ نے اب بہت سارے گراؤنڈس کے لیے انفراسٹرکچر کے لیے پیسے نکال لیے ہیں. ہماری بہت ساری جو ہیں, میں نے آپ کو انٹرو میں بھی بتایا تھا کہ کھلاڑیوں کا یا بچے کا فٹنس کی طرف فٹ نہ ہونے میں بہت ساری جو رکاوٹوں ہیں, اس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ انفراسٹرکچر موجود نہیں, گراؤنڈ ہی نہیں ہے, گاؤں میں نہیں ہے, اسکول کے پاس نہیں ہے. تو اب گورنمنٹ جو ہے بہت سارا بجٹ کی بہت ساری مد میں پنجاب میں کے پی میں بہت سارے گراؤنڈ بنا چکی ہیں اور دوسری جو ہیں سندھ والے بھی اس پہ نقل کر رہے ہیں, بلوچستان والے بھی اس کی نقل کر رہے ہیں. تو جب گراؤنڈ سارے آ جائیں گے تو بچے وہاں ضرور جائیں گے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک جذباتی بات ہے کہ اگر میں کہوں کہ والدین بچوں کو گراؤنڈ میں لے کے جائیں, گراؤنڈ ہی نہیں ہوا تو بچے والدین کہاں لے کے جائیں گے؟ ان کے پاس ایک فیسلٹیز, وہ کلب, وہ ماحول ہونا چاہیے تو والدین ان کو ضرور لے کے جائیں گے وہاں گراؤنڈز میں. تو یس, اب اس میں ہم انشاءاللہ ہم آنے والی نسلیں ضرور دیکھیں گی کہ گراؤنڈ زیادہ ہوں گے اور ہاسپٹلس کی تعداد کم ہوگی. سر اس مد میں گورنمنٹ اور پاکستان اور پاکستان سپورٹس بورڈ کیا کہہ رہی ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان تو بڑے عرصے کی تھے, یعنی فیڈرل گورنمنٹ کی میں بات کرتا ہوں, گورنمنٹ آف پاکستان پورے پاکستان میں ہم نے بہت سارا انفراسٹرکچر بنایا اور ڈسٹرکٹ لیول تک ہم نے ڈسٹرکٹ لیول تک ہاکی گراؤنڈس بنائے اور صادق آباد میں ہم نے ایک اسپورٹس کمپلیکس بنایا, ناروال میں ایک اسپورٹس کمپلیکس بنا رہے ہیں, ٹھٹا میں ہم نے بنایا, کوئٹہ میں ہم نے ہمارا اپنا کوچنگ سینٹر ہے. ہر جگہ پہ گورنمنٹ نے جو اپنے وسائل میں رہتے ہوئے تمام انفراسٹرکچر بنایا. سر انفراسٹرکچر تو بن جاتے ہیں, گراؤنڈس بھی بن جاتے ہیں, سر پھر ان کی مینٹیننس بھی ایک بہت بڑا ایک ایشو ہوتا ہے. یس, یہ بھی آپ نے بات ٹھیک کی, ہمیں اس چیز کا بھی ادراک ہے. یہاں آپ دیکھیں تو وہ ہم نے اس کو بڑا صاف ستھرا رکھا ہوا ہے, لیکن بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے ہماری مینٹیننس پہ لگتی ہے. اور دور دراز علاقوں میں, میں نام لیے بغیر بتاؤں گا کہ بہت ساری جگہ پہ یہ مینٹیننس نہیں ہو رہی, اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں جا رہا ہوں تو کسی اسٹیڈیمس میں کتے پھر رہے ہوتے ہیں اور کسی میں بلیاں پھر رہی ہوتی ہیں. وہ رسپیکٹو سٹی گورنمنٹ یا پروونس گورنمنٹ کا فرض ہے کہ اس کو جو ہے جب ان کو یہ فیسلٹی مل جاتی ہے تو اس کو یوٹیلائز کریں, اس کو آباد کریں, اور اس کو بجائے دوسرے جانوروں کے یہ چیزوں پھرنے کے وہاں بچے کھیلیں جا کے. تو اتنی اماؤنٹ بھی نہیں لگتی, لیکن وہ بات شوق کی یا ماحول کی ہوتی ہے, بعض لوگوں کو یہ نہیں ہوتا اس چیز کا احساس. تو یس, گراؤنڈ آباد ہوں گے انشاءاللہ. سر اسکول, کالج اور یونیورسٹی لیول پہ ایتھلیٹس تیار کرنے کے لیے اسپورٹس بورڈ کیا کہہ رہی ہے؟ پاکستان اسپورٹس بورڈ تو اس کا بیسک کام تو ہے ایلیٹ ایتھلیٹس کو ٹریننگ کرنا, لیکن یس
टैलेंट को भी हंट करना होता है, ग्रास रूट पे भी हमने जाना होता है उस सर्टन तरीके से। ग्रास रूट्स के लिए हमारा रेगुलर फीचर एक है, इंटर प्रोविंशियल अंडर 16 और 17 टूर्नामेंट्स होते हैं। सर ये दूर दराज इलाकों में भी ये काम कर रहे हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो हमारे दूर दराज इलाके हैं जी, उसमें दूर दराज वाले पसमानदा इलाके हमारे, उनके स्कूल्स में भी आप वहाँ पे भी अप्रोच कर रहे हैं? हर स्कूल में जाना हमारा ना तो ज्यूरिसडिक्शन है, हम वहाँ नहीं जा सकते। क्यों? कि अगर सपोज सदरन पंजाब की आप बात करते हैं तो सदरन पंजाब का जो दूर दराज का स्कूल है वो स्पोर्ट्स बोर्ड के नीचे नहीं है, वो प्रोविंस के नीचे है जिसको जो लाहौर से कंट्रोल अच्छा, होता है। तो वो हम, लेकिन जब हम लाहौर हम इंटर प्रोविंशियल टूर्नामेंट कोई भी कराते हैं, सपोज एथलेटिक्स में करवा लेते हैं, तो उसके बच्चे जो आएंगे हमारे पास ट्रेनिंग के खेलने के लिए, तो वो सारे के सारे सारे पंजाब से सिलेक्शन होके आएगी उनकी, इस तरह केपी से उनकी सिलेक्शन होके आएगी। तो जब तक इंटर प्रोविंसेस और उसमें गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद को भी हम शामिल करते हैं, तो वो एक यूथ का जो टूर्नामेंट हर साल होते हैं और मुख्तलिफ गेम्स में, और वो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है बच्चों के लिए भी और उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स के भी लिए। तो वो उसके लिए यूथ पे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड लगातार ये काम कर रहे हैं। और आपकी मैं इस नॉलेज के लिए कि शबाज सीनियर जिस वक्त अपना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी भी हैं और उसके टायर और दो तीन खिलाड़ी जो मुझे अच्छी तरह उनके नाम भी, राना मुजाहिद और ताहिर साहब जो हैं, ये सारे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की स्कीम के तहत निकले हुए हैं और फिर अब आगे जाके एक इंटरनेशनल लेवल पे ये आए हुए हैं। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इस वक्त भी लुक आफ्टर कर रहा है अपने उसके अपने टैलेंट को और रिस्पेक्टिव जो सूबे भी हैं, पंजाब देखें कि उन्होंने पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल बड़े बड़े इवेंट्स करवा रहे हैं और बहुत बड़ा बजट रख दिया है खिलाड़ियों के लिए भी, और इसी तरह केपी में भी हो रहा है, और ये उन्होंने बड़ा बजट रख दिया खिलाड़ियों के लिए और उनका भी बन रहा है। अब सिंध वालों ने बजट बड़ा रख दिया है, वो काम कर रहे हैं, बस ये इंटरलिंक करने की ज़रूरत है जिसपे हम काम कर रहे हैं। सेंटर जो है वो एक बड़ी ऐसी बॉडी है जिस तमाम सूबों को आपस में इंटरलिंक करके ये तमाम इवेंट्स हम करवा रहे हैं, और इस साल भी यूथ के लिए हम इंशाल्लाह कायदे आज़म गेम्स करवा रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। अच्छा सर, समीउल्लाह और शबाज़ सीनियर जैसे हीरोज़ बनाने के लिए हमारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को क्या करना चाहिए? ये एक किसी एक इदारे का काम नहीं है। ठीक है, यस स्कूलों को तो मैं बार बार गुजारिश करूंगा कि उनका अपना जो रोल है पहली से पाँचवीं तक और पाँचवीं से आठवीं और दसवीं तक, उनको जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए ज़रूर उस पर काम करना चाहिए। स्कूल से आगे जाके एक हॉकी हमारे स्कूलों में बिल्कुल नापैद हो चुकी है, या और भी गेम्स जो हैं क्रिकेट पे, क्योंकि ग्लैमर है क्रिकेट पे, ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है, इसको प्रोपोर्शन होना चाहिए। क्रिकेट के लिए अगर टीम की है तो हॉकी की भी उसके साथ हो, फुटबॉल की भी हो, बाकी गेम्स की भी उस पर साथ हो। तो स्कूल भी इसमें वालदैन, स्कूल, सोसाइटी, ये सब जब कोशिश करेंगे तो शबाज बहुत सारे पैदा होंगे, समीउल्लाह बहुत सारे पैदा होंगे, हनीफ खान बहुत सारे पैदा होंगे, और इंशाल्लाह हीरोज़ पैदा होंगे। और सबसे बड़ा एक आपने बड़ा, मैं अपने आप को मैं कह रहा हूँ कि मैंने निगलेक्ट की है एक चीज़, 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन जो स्पोर्ट्स के लिए चाहिए वो लेडीज या फीमेल एथलीट्स हैं। हाँ बिल्कुल, और फीमेल एथलीट्स को हमने अनफॉर्चुनेटली नहीं डिस्कस कर रहे, बिल्कुल उनकी भी इसी तरह हमें ग्रोथ चाहिए, वालदैन को उनको थोड़ी सी इस तरह आज़ादी देनी चाहिए। हमें, हम भी कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, माशरे को भी चाहिए कि उनके लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज प्रोवाइड कर की देनी चाहिए। और इस्लामी दुनिया में सबसे बेहतरीन मॉडल जो है स्पोर्ट्स का लेडीज के लिए या फीमेल के लिए या खवातीन के लिए, तो वो ईरान का मॉडल है। वहाँ बापरदा ट्रेनिंग भी की जाती है, खवातीन को खवातीन ट्रेनिंग करवाती हैं, खवातीन के लिए कैमरामैन भी खवातीन हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटर भी खवातीन हैं। तो ना वालदैन को भेजने में उनको प्रॉब्लम है, माशरे को करने में प्रॉब्लम है। तो जब वो आके मुकाबला करती हैं तो हिजाब में मुकाबला करती हैं, और जहाँ भी ईरानी खवातीन आती हैं मेडल लेके जाती हैं, हैरान, हिजाब उनमें कोई रुकावट नहीं डाल रहा। हमारी अवेयरनेस नहीं, हमारी बच्चियों का लेवल ऑफ फिटनेस बहुत कम है, जो उनकी अपनी हेल्थ के लिए ठीक भी नहीं है। बिल्कुल हाँ। और वही एक अवेयरनेस, जैसे बच्चे जो हैं वो ड्रग्स ले रहे हैं और बच्चियां जो हैं वो खाना नहीं खा रहे, उनको खाना चाहिए वो नहीं खा रही, और अपने आप को स्लिम के चक्कर में उनके कद भी छोटे हो गए और उनकी फिजिक भी बहुत छोटी है। सर आपने लड़कियों की बात की, सर आपके अपने कॉम्प्लेक्स में आप लड़कियों को या फीमेल प्लेयर्स को कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं? हाँ यस, ये बहुत बड़ा एक है, फीमेल खिलाड़ी जो या एक खातून जब बच्ची खेलने के लिए आती है तो उसके एक लड़के से बिल्कुल डिफरेंट मसाइल है। वह सबसे पहले उसको अपने वालदैन से परमिशन लेनी है, बिल्कुल वालदैन तभी परमिशन देंगे कि उनकी बच्ची सेफ हैंड में है
और जहाँ जाएगी उसके लिए कोई ऐसा हैरेसमेंट या कोई ऐसी चीज नहीं होगी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने बच्चियों के लिए एक फातिमा जना के नाम से एक अलग हॉस्टल बनाया हुआ है जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन लेडीज के पास है और वहाँ बच्चियाँ सेफ और अपने हिसाब से अपनी आज़ादी के साथ वहाँ रहती भी हैं, खाना भी खाती हैं और वहाँ से तैयार होकर ट्रेनिंग के लिए आती हैं। जहाँ इनको ट्रेनिंग करनी होती है अलहदा, वहाँ उनके लिए अलहदा ट्रेनिंग का बंदोबस्त है और जहाँ उन्होंने अपने अपने साथियों मेल कोचेस के साथ ट्रेनिंग करनी होती है तो वहाँ उनके लिए वो सहूलत भी मौजूद है। तो यहाँ उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं और बच्चे जो पूरे पाकिस्तान से आई हुई हमारी बच्चियाँ इस वक्त भी मौजूद हैं तमाम हमारी खिलाड़ी, तो वालदैन खुश होते हैं कि वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जा रही हैं तो उनको ना कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है और ना कोई और इस किस्म का प्रॉब्लम है। सर, इस तरह की जो प्लेयर्स आती है उसमें बहुत ज़्यादा इम्कानात इस बात के है कि हो सकता है वो थोड़े से जो है अनप्रिविलेज क्लास से आ रही हो। सर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या स्पोर्ट्स बोर्ड ऑफ पाकिस्तान जो है उस तरह के बच्चों को कोई स्कॉलरशिप या कोई वजीफ़ा वगैरह मुकर्रर करती है उनके लिए? यस, वजीफ़ा तो नहीं, जब हम कंपटीशन करवाते हैं तो उनको कैश अवार्ड्स देते हैं तो बच्चों को ये होता है कि हमें इंसेंटिव मिलेगा। दूसरा, जब यहाँ की ट्रेनिंग करते हैं बच्चे, यहाँ बच्चियाँ आप कह रही हैं, जब वो ट्रेनिंग करती हैं तो उनका लेवल ऑफ फिटनेस और गेम का लेवल बहुत ऊपर चला जाता है। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई भी ऐसी जगह पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जो हमारे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के सेंटर्स के अलावा कि वहाँ बच्चियाँ घर में रह के ट्रेनिंग कर सकें। तो हमारी कोशिश यही होती है कि बच्चियों का कैंप जो है हम राउंड द ईयर लगाते रहें ताकि यहाँ बच्चियाँ आएँ तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम क्या उनको देते हैं, जब वो बच्चियाँ आती हैं तो बेहतरीन रहाइश उनको, कंफर्टेबल, उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट और उनको खाना दिया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और वो साइंटिफिक तरीके से अच्छा खाना, उनके अटायर, उनके ट्रैक सूट, उनको जॉगर्स और उनकी बहुत सारी और जरूरियात। यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई क्राइटेरिया होता जी? बहुत सख्त क्राइटेरिया है, वो क्लब से बच्चियाँ शुरू होती हैं, मोहल्लों से शुरू होती हैं और अपने इंस्टीट्यूशन में ज़्यादातर बच्चियाँ जो हैं वो आपस में मुकाबले करते हैं थ्रू आउट द कंट्री, फिर वो आके सेलेक्ट होके अपने कॉलेज लेवल तक या बोर्ड लेवल तक या किसी और लेवल पर प्रोविंस लेवल पर आती हैं, फिर प्रोविंस से जो इंटर प्रोविंसल उनके मुकाबले होते हैं तो पाकिस्तान की चोटी की बच्चियां जो है वो सेलेक्ट होके हमारे पास आती आपके पास आती। छोटे हमारे क्लब्स होते या गली मोहल्लों में जो बच्चे खेलते, स्कूल में बच्चे खेलते, सिर्फ इन्हीं छोटे क्लब्स को और स्कूल का जो टैलेंट है, स्कूल कॉलेज का जो टैलेंट है, सिर्फ स्पोर्ट्स बोर्ड उनको अपने साथ कैसे मिलाता है? हाँ जी, ये एक सिस्टम है हमारे पास, मैंने पहले थोड़ी देर आपसे गुजारिश की है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अंडर 17 यानी छोटे अंडर 17 टीनियर इधर बच्चे और बच्चियाँ बिल्कुल, और उनके इंटर प्रोविंशियल टूर्नामेंट्स करवाते हैं, यानी प्रोविंस की टीम दूसरे केपी की टीम पंजाब के साथ या सिंध की, सारे प्रोविंसेस एक इकट्ठे होके ये सालाना बहुत सारे हमारे टूर्नामेंट्स हैं और ये बड़े अरसे से हम इसके करवा रहे हैं। इसके तमाम खर्चा बच्चों के आने जाने का हम बर्दाश्त करते हैं। अब ये आपका सवाल पर्टिकुलर हो गया कि वो क्लब वाले और स्कूल वाले बच्चे से किस तरह मुस्तफीज होंगे या किस तरह फ़ायदा उठाएंगे या किस तरह लिंक में आएंगे। तो वो जो मुस्तका प्रोविंस है वो जब अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाता है तो वो बच्चे खुद ब खुद ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि जब मुकाबले होते हैं तो बच्चा जो फर्स्ट आएगा चाहे वो स्कूल का होगा या वो मोहल्ले का होगा। सपोज हम आप जो कोई एक सुबह जो है वो 200 मीटर का बच्चा या बच्ची लाना चाह रहा है तो उनके जब आपस में मुकाबले होंगे तो पता होगा कि फलां नाम की बच्ची या फलां नाम का बच्चा 200 मीटर में सबसे फर्स्ट है, तो वो सिलेक्ट करके जो है वो टीम का हिस्सा बनाएंगे और हम उसके लिए यहाँ उनको यहाँ उनके लिए किराया भी देंगे यहाँ तक आने का, उसको अच्छा। खाना भी देंगे, रहायश भी देंगे और यहाँ जब आप टूर्नामेंट कराएंगे तो फिर उसको कैश अवार्ड्स भी देंगे। तो वो बच्चा जो है इस तरह इंटरलिंक्ड होता है हमारे साथ और वो जो है टैलेंट सामने आ जाता है उस बच्चे का, तो अगर वो टैलेंटेड अगेन उससे भी बड़ा टैलेंटेड है तो फिर हम उसको नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेनिंग भी करवाते हैं। अच्छा सर, टैलेंट की बात हुई, क्या हर मुकाबले में सिफारशी खिलाड़ियों का मुंतखब हो जाना हमारे गेम्स के लिहाज से जवाल का सबब तो नहीं बन रही है? ये जो सिलेक्शन कमेटी, ये सिलेक्शन करना ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का काम नहीं होता, एक फेडरेशन का काम होता है, लेकिन गाहे बगाहे शिकायत आती रहती है बिल्कुल कि ये होता, लेकिन अगर एक भी सिफारशी खिलाड़ी हो जाए तो पूरी टीम के ऊपर उसका असर बढ़ता है बहुत ज़्यादा, टीम वर्क, एक बंदा भी सब स्टैंडर्ड हो तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। क्या मुल्की सियासी हालात जिस तरह के आजकल के चल रहे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पे किस हद तक असरअंदाज हो रहे हैं? हमारा कोई सियासी हालात से, हम गवर्नमेंट एजेंसी हैं, हमने गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना है, गवर्नमेंट हमें सफिशिएंट फंड्स देती है, तमाम सहूलियात देती है,
तो कुछ सियासी हालात से हमारा कोई दूर दराज का वास्ता नहीं होता। अच्छा, हम जो गवर्नमेंट हमें डायरेक्शन जो पॉलिसी देती है हमने प्रोफेशनली उसको इम्प्लीमेंट करना है। आप कितनी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल गेम्स के इवेंट्स होना शुरू हो जाए, पाकिस्तान दोबारा से इस तरह के इवेंट्स होस्ट करना शुरू करे? पाकिस्तान में इवेंट ना होने की एक ही वजह है, कोई दो वजह भी नहीं है, और वो है सिक्योरिटी। बाहर से जब कोई भी प्लेयर आता है, से न्यूजीलैंड से कोई प्लेयर पाकिस्तान खेलने आ रहा है, तो वहाँ का एक बड़ा अच्छा SOP मौजूद है वहाँ की, कि जब आप पाकिस्तान ट्रेवल करेंगे तो आपको अपनी इंश्योरेंस करवा के जानी है। अच्छा। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो उस आपको अपनी इंश्योरेंस करवा के जाना है, आपने इंग्लैंड जाना है तो इंश्योरेंस करवा के जाना है। वहाँ की मुतलका फेडरेशन जब इंश्योरेंस इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए करवाती है तो हो सकता है वो उसको $1,000 में पूरी टीम की इंश्योरेंस हो जाए उसकी, लेकिन जब वो पाकिस्तान के लिए इंश्योरेंस करवाते हैं तो $1,00,000 एक खिलाड़ी पे पड़ता है उनका। अच्छा। तो उनके पास पैसे ही नहीं है इतने बेचारों के, ये एक वन ऑफ द फैक्टर्स। दूसरा, मुसलमान अहम अल्लाह ताला के अलावा किसी से नहीं डरते, बहुत जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में, ये हमारा यकीन है। लेकिन वो कौमें जो यहाँ खेलने आ रहे हैं उनका इस बात में कोई यकीन नहीं, वो कहते हैं जी गोली जब चलेगी तो अल्लाह माला को नहीं रोकेगा, लगेगी लगेगी, तो वो इसलिए बहुत डरते हैं। अगर हम सिक्योर होंगे तो पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, लोग बहुत फ्रेंडली हैं, दुनिया के किसी हिस्से में इतने हॉस्पिटैलिटी वाले बंदे नहीं मौजूद। जो भी एक दफ़ा फॉरेनर आता है तो वो इस मुल्क का दीवाना हो जाता है, तो इसलिए जब भी कोई आएगा तो और कोई वजह नहीं है, सिर्फ एक ही वजह है कि वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कि हम इसमें लिए क्या कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल, पूरी गवर्नमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नीचे के लेक तक हर बंदा कोशिश कर रहा है कि हमारा इमेज ऐसा हो वो नजर ना आए कि हमको इनसिक्योर है। बिल्कुल, सपोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसमें आपकी मिसाल मौजूद है, इसको गवर्नमेंट ने ही अपग्रेड किया है, चारों तरफ से चार दीवारी बना के सिक्योरिटी सिस्टम लगा दिया। इस वक्त आप जाएंगे तो सामने रेंजर्स और पुलिस मूव कर रही है, हमारी अपनी सिक्योरिटी मूव कर रही है, तो लोगों को पता है कि अब ये जगह सिक्योर है, तो लिहाजा अब लोग इस जगह पे आ रहे हैं। सर, फ्लो शुरू हो गया इंटरनेशनल इवेंट्स का। अब फ्यूचर में आने वाले इवेंट्स में आपको बता दूं, डेविस कप इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने अलॉट किया है, उसके सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स यहाँ आए हैं, उन्होंने हमें पास किया है। इसके अलावा वेस्ट एशिया बेसबॉल चैंपियनशिप फरवरी मार्च में आ रही है, ठीक है, उसको परमिशन मिल गई है। साउथ एशियन वुशू फेडरेशन, उन्होंने हमें वुशू का एक इवेंट दे दिया है। साउथ एशियन बल्कि कॉमनवेल्थ ताइक्वांडो सबसे बड़ा हमारा इवेंट ताइक्वांडो नेशन और कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ नेशंस यहाँ आएंगी जिसमें यूरोपियन भी हैं सारी गेम, वो ताइक्वांडो का एक इवेंट यहाँ हो रहा है। इसी किस्म के तमाम रेसलिंग साउथ एशियन रेसलिंग फेडरेशन वाले यहाँ आ रहे हैं, स्क्वाश वाले कर रहे हैं। अच्छा। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट में भी लोग आएंगे और वो भी यहाँ ये इसमें स्पोर्ट्स में भी आ रहे हैं और दूसरी स्पोर्ट्स में भी आ रहे हैं, तो ये फोक ऑफ अब कम होता जा रहा है। थैंक यू सो मच सर अपना कीमती टाइम देने का, हम वक्तन फवक्तन आपको जहमत देते रहेंगे ताकि हम अपने नाजरीन को पाकिस्तान में होने वाले स्पोर्ट्स के बारे में आगाह करते रहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नाजरीन, ये थे डॉक्टर अख्तर नवाज घंजेरा। उम्मीद है आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, हमें अपना फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है ayutv3@gmail.com या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ayu.tv पे। इसी के साथ ही अपने होस्ट साजिद सईद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।